नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जयपुर महानमंडी में है और आज 21 मार्च 2024 हो चुका है। आलू का क्या अपडेट देखने को मिला है, कितनी गाड़ियां देखने को मिली है? क्वालिटी देख सकते हैं आलू की, बहुत ही शानदार आलू की क्वालिटी शानदार देखने को मिल रही है। तो क्या बाज़ार देखने को मिला है सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। कितनी गाड़ियां हैं आज, कैसे हो सर? बढ़िया था। तो सर आज आलू में क्या पोजीशन बनी? आलू में पोजीशन समझो थोड़ा सा बढ़िया माल, हल्का सुधार है। अच्छा जी। वैसे तो 12 से 14 बिक रहा है। अच्छा जी। अच्छा, ज्यादा VIP माल 15 तक बेचे, हमने भी 2-3 लाट बेचे है। अच्छा जी। पर आप बाजार मानो 12 से 14 का ही। 12 आज गाड़ी थोड़ी कम हुई है, 80 गाड़ियां, कल 20 बेलन थी। अच्छा जी, मतलब 60 गाड़ियां नहीं है आज। आज थोड़ा बहुत बढ़िया सर। और ग्राहकी कैसी है सर? ग्राहकी ठीक है, हल्के माल में कमजोर है। अच्छा, बाकी अपने 5-7 गाड़ी सब बिक गई। ये जो माल है ये 14 बिका है, अभी थोड़े से कट्टे में 22 कट्टे बचे हैं, इसमें कोई कोई दाने पर चेचक है। अच्छा, ये वाला माल 14 रुपए बिका है, कोई कोई दाने पर थोड़ा चेचक दिख रहे नहीं? बिल्कुल, इस प्रकार कोई कोई दाने पर। कहाँ का माल है सर? ये वहीं का, आगरा का है, आगरा के पास का। अच्छा जी, अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये जो माल है ये बेचा है पहले 12, अभी थोड़ा बच गया 11.5, इसमें हरा भी है और चेचक भी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, देख सकते हैं, बहुत बढ़िया सर। और सर, और जो 15 वाले भर गए, 14 वाले और भी भर गए, यानी मोटा मोटी मानो तो आप 12 से 14 के बीच बिक रहा है। अच्छा, ज्यादा हल्के माल है वो 11 बिक रहे हैं और ज्यादा VIP माल है वो 15 तक बिक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर अचानक से जैसे अभी 2-3 रुपए डाउन आ गया था, तो वो आवक की वजह से हुआ था, किसान भाई भी घबरा गए थे। हाँ, मैंने तो कई बार आपसे बोला बीच में भी कि भाई घबराए नहीं, क्योंकि अगर एकदम घबरा के लाओगे तो फिर बाजार डाउन होता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप हिसाब से लाएंगे तो ये क्या है, 2-4 दिन का माल ज्यादा आ गया उसका फर्क था, बाकी कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। तो इससे बढ़िया तो सर जैसे मान लो अगर भाव थोड़ा सा नहीं मिलता है तो आप वाली बात कोल्ड स्टोर में डाल दो, वो रख रहे हैं, वो भी रख रहे हैं, पर जब मंडी में आने के बाद क्या है, जो मंडी में ला रहा है ना किसान, अच्छा वो इसे ला रहा है, उसको पैसे की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो क्या मजदूर में स्टोर रखेगा? बिल्कुल सर, वो समझा महीने में मंथली किराया ले लेंगे और निकाल देंगे। बिल्कुल, लेकिन फिर भी क्या ज्यादा जो मंडी किसान ला रहा है उसको जरूरत है पैसे की, इसलिए ला रहा है। बहुत बढ़िया। और माल भर गया तो वो क्या है, भर के फिर उसको खोल खाली नहीं कर सकता है। बिल्कुल। और भरा भरा माल रखा है खेत में, हरा हो जाता है। बिल्कुल, हवा से। तो सर आज किस किस एरिया से गाड़ियां देखने को मिली है जी? कौन कौन से एरिया से गाड़ियां? एरिया तो वही आ रहा है जो राजा से, अपने अलीगढ़ क्लास है। अच्छा जी। आगरा के आसपास है, अपना फिरोजाबाद चल जाओ, सादाबाद आथरा चल जाओ। अच्छा। और ये अपने भरतपुर धौलपुर साइड है, यहीं से आ रहे हैं मोस्टली। कोई एक आध थोड़ा 2-4 गाड़ी कोई जैसे अपनी मैनपुर साइड से आ जाती है। बिल्कुल। बाकी आगरा से करावली क्षेत्र है, सादाबाद है, खंदौली है, शमशाबाद है, यहाँ से माल आ रहा है। सर 37-97 जो आलू है, हाँ, वो कौन से एरिया से आता है? वो चारों तरफ होता है। अच्छा, चारों तरफ होता है। हाईब्रिड जो आलू थोड़ी पैदावार ज्यादा होती है। अच्छा जी। और इसमें कलर भी फास्ट बैठता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस चक्कर में कुछ है साउथ में 302 आलू होता है, वो हाईब्रिड में आता है। अच्छा जी। वो जो आलू वहाँ महंगा बिकता है। अच्छा, 37 वहाँ नहीं पकड़ते हैं। बिल्कुल। अपने राजस्थान जयपुर में 37 महंगा बिकता है। बिल्कुल। हाईब्रिड कम पकड़ते, कच्चे में तो फिर भी चल जाता है। बिल्कुल। कोल्ड में 37-97 में हाईब्रिड में बड़ा फर्क हो जाता है भाव में। अच्छा जी। अच्छा। अभी तो ₹18 फर्क होता है, उस समय 2 से 3 रुपए फर्क हो जाता है 37-97 में, हाईब्रिड में कोल्ड निकलेगा जब। अच्छा जी। अच्छा, मतलब 37-97 की डिमांड बन जाती है। बढ़िया बन जाती है। उसका क्या है कि एक तो उसमें पानी कम छोड़ता है। अच्छा, मजबूती होती है, टिकाव क्षमता ज्यादा होती है, टेस्ट भी थोड़ा ठीक होता है। अलग टेस्ट की बात करें तो अपना जैसे चिप्स होना है, सूर्या है। अच्छा जी। और हॉलैंड है, इनमें थोड़ा टेस्ट ठीक रहता है। अच्छा जी। अच्छा, पर लेकिन वो यहाँ चलते नहीं, हॉलैंड फ्री बिक रहा है 17-18। बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया माल हॉलैंड आए तो आज मैं कम दिख रहा है, लेकिन 17-18 बिक रहा है। हल्के माल वो 14-15 बिक रहे हॉलैंड। अच्छा जी। हाँ, वो लंबी चाल के आते हैं लाल में, जितना कलर बढ़िया होगा, जितना मोटा होगा, साइज बढ़िया होगा, वो 17-18 बिक रहा है। अच्छा जी। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। और सर वैसे ये वाला आलू कौन सा है? ये 15 बिका था भाई साहब, क्वालिटी बहुत चाल्डी मोटा, हमने 15 बिका था। ये बहुत ही शानदार है सर, ये हमने घर के लिए निकाला फिर। अच्छा जी। अच्छा जी, बहुत बढ़िया सर। तो सर आपके हिसाब से आप जो बताते हैं रेट डाउन नहीं आएगा? नहीं, डाउन नहीं आएगा, देखो ये टेम्परेरी है, ये मंथली टेम्परेरी है। जैसे माल का ज्यादा आना, सोमवार को 110 गाड़ी, मंगलवार को 135 गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। और कल बुधवार को होगी 100 गाड़ी, 100 गाड़ियों के आसपास, और आज 80 हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। 80 भी, 20 कल बैलेंस थी, 60 आज की है, यानी 60-70 गाड़ियां अगर मंडी में आती हैं तो आराम से भाव, वही आलू 15-16 भी हो जाएगा। और मैं फिर पहले भी कहा था, अभी कह रहा हूँ, जैसे जैसे स्टोर खुलेंगे या ये खुदाई खेत का भी चल रहा है ना, थोड़ा 2-4-5% भी खुदाई है, ये बंद हो जाएगी, कुछ लोग डैम्प लगा लेते हैं, जो डैम्प का निकलेगा तो वो जाकर के 15 से 20 के बीच में चालू हो जाएगा। बिल्कुल।
यानी आलू का भविष्य बाजार है वो अच्छा रहने वाला मिलेगा। किसान को दो पैसे मिलने चाहिए, किसान तीन साल से टूटा हुआ है और इस साल दो पैसे मिलेंगे तो किसान थोड़ा खुशहाल होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। तो अपना मोबाइल नंबर, फर्म का नाम? 9214051151, शिव शंकर एंड कंपनी जयपुर। चलो जी, धन्यवाद सर आपका।